मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापम घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। व्यापम घोटाले में कोर्ट ने 8 आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। साल 2013 में होलकर साइंस कॉलेज में व्यापम परीक्षा हुई थी, वहीं इस परीक्षा में 8 मुन्ना भाई नाम बदलकर एग्जाम देते हुए पकड़े गए थे। 8 साल बाद अब इन आरोपियों पर फैसला आया है। इन सभी आरोपियों को इंदौर जिला विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। सर, वर्ष 2013 में व्यापम के मामले में 8 लोगों को कारावास हुआ सर, क्या मामला था? और मामला ये पशुपालन डिप्लोमा कोर्स के की एग्जाम वर्ष 2013 में होलकर साइंस कॉलेज में आयोजित हुई थी। वहाँ पर ये आरोपी जो है अपने आरोपी अवनीश, अंकित सिंह, एजाज, अनूप और रामा डामोर, माकन सिंह और अमीर होलकर, देवेन जनिया, ये इन्होंने 8 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चालान इनके खिलाफ जो है पुलिस ने पेश किया गया और न्यायालय ने आज इस प्रकरण में सभी आरोपियों को दोष सिद्ध माना गया और इन्हें जो है धारा 467 में 7 वर्ष की सजा, 419 और 467 और 468 ऐसे विभिन्न धाराओं में इनको जो है सजा दिए और व्यापम की धारा 3/4 में भी इनको जो है दोषित किया गया। दरअसल 2013 में पशुपालन डिप्लोमा एग्जाम के दौरान दूसरे छात्रों की जगह आरोपी परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे, जिसमें 4 छात्र थे और 4 के स्थान पर दूसरे लोग परीक्षा दे रहे थे। आपको बता दें कि एग्जाम देने वाले फर्जी मुन्ना भाई यूपी के झांसी के रहने वाले थे, जिसमें से एक डॉक्टर था और एक वर्तमान में प्रोफेसर है। साथ ही एक आरोपी कोचिंग क्लास चला रहा था। इस मामले में साल 2014 में कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सजा सुनाई जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। इंदौर